अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं हूं आपका दोस्त असद बलोच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज असद बलोच व्लॉग्स। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएँ, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो कर लें, और वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है जी ये, इसको खदाल भी बोलते हैं, टोए मारना भी बोलते हैं, और इसका आज मैं क्या काम करने लगा हूँ वो मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। फार्म के साथ साथ जो है लेफ़्ट साइड वाली जो दीवार है उसके साथ उगे हुए हैं जी पौधे, और ये रहे पौधे जी पीपल के। तो मैं सोच रहा था इनको नीचे से निकाल के, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बोहेड़ हो, ये हो, शहतूत हो, ये चार पांच किस्म के जो पौधे होते हैं ये अक्सर दीवारों में भी इनका जो है ये हो जाते हैं। ये देखें पूरे वो आगे तक हुए। इनको क्या करने लगा हूँ मैं, इनको टोए मारने से खुदाल से नीचे से काट लूँगा, थोड़ी थोड़ी जड़ें जो है इनकी वो साथ रहेंगी, और यहाँ से इनको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग दूसरी तरफ, दूसरी तरफ दीवार के मतलब ये लेफ़्ट साइड वाली, राइट साइड वाली जो लंबी दीवार है भट्ठे वाली साइड में, तो उधर हम लोगों ने कुछ दरख्त लगाए थे शरीन के, तो उनमें से जो थे कुछ हुए हैं, कुछ जो हैं वो डेड हो गए हैं, और कुछ जो हैं वो अभी तक 50-50 चल रहे हैं कि पता नहीं होएंगे कि नहीं होएंगे। अभी इनको यहाँ से निकालते और वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करते हैं, पूरा सिस्टम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं जी थल। रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी आई है तेज़, और बिल्कुल कुछ ना नज़र आने वाली, और थल में जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। पहले ये इनको निकालते हैं दरख्तों को और आगे ट्रांसफ़र करते हैं। वीवर्स दरख्त जो थे वो तकरीबन निकाल लिए हैं जी सारे, और आलमोस्ट 15-20 दरख्त जो हैं वो हो गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ निकाल के, अभी मैं आके बैठा हूँ जी अंदर, और अभी इनकी कर रहे हैं जी काट छांट। जैसे ये कुछ इसकी रूट्स जो हैं जो डैमेज हो गई हैं निकालते वक्त, अभी जैसे ये वाली रूट्स हैं ये आप देख रहे हैं ये डैमेज हुई हैं, तो इनको हम प्रॉपर एक ही कट में इनको काटेंगे, तो ये करेंगे। और सेकंड थिंग, इसकी हाइट आप ज़रा चेक करें, हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो न्यू वाली ब्रांचेज़ हैं ये वाली, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट देंगे, ताकि ये क्योंकि मिट्टी तो इनके साथ है नहीं, और ये अगर मिट्टी नहीं है तो इससे ये होगा कि जितने भी इसके अंदर पावर है वो न्यू ब्रांचेस जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगी, बल्कि वो जड़ में ही रहेंगी, और जड़ जो है वो इसकी जल्दी नीचे लग जाएगी। तो अभी इनको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ये जो ब्रांचेस हैं इसकी कुछ सूखी हुई थी, कुछ गिली हैं, तो ये हम ऊपर से काट रहे हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर है एनर्जी है वो इसके अंदर ही रहे, पौधे के अंदर, ये पत्तों में और इधर आगे पीछे ना जाके ज़ाया ना हो और एनर्जी ज़ाया, तो इससे पौधा जो है उसके मरने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। अभी इनकी काट छांट जो है वो मुकम्मल करते हैं और फिर जाते हैं इनको आगे जाके लगाते हैं जी। तो व्यूअर्स बैक साइड पे जो है ये आप चेक करें, ये जिस तरह कुछ जो है दरख्त शरीके इधर हो गए थे इस साइड पे, कुछ नहीं हुए, जैसे ये अभी नहीं हुआ, उस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा नहीं हुए, तो उनके बीच बीच में जो है हम लोग इनको लगा रहे हैं। जैसे अभी एक ये हम लोग लगा रहे हैं, ये देखें अभी इनकी कम्प्लीट जो है वो इधर लगा के इनको, तो फिर बाद में जो है इसी नाली के अंदर पानी हम लोग छोड़ देंगे, और डेली इनको हम लोग पानी लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो पहले मरे हैं ये कुछ तो नीचे नहीं लगे हुए थे, इनको शरीक को जो होता है वो अच्छे से दरख्त कोई भी हो उसको नीचे लगाना पड़ता है, ताकि हवा के साथ जो है इसकी रूट्स जो हैं वो जमी रहें, वो बार बार जो है हिले मत, हिलने की वजह से ख़राब हो गए। तो अभी इसके अंदर जो है ये लगाते जाएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये ग्रोथ भी हो करेंगे। अभी कम्प्लीट लगाते हैं वहाँ तक, लास्ट तक फिर आपको दिखाते हैं, पूरे काउंट भी करते हैं कि कितने लग गए हैं। चलो तो दोस्तों दिखाते हैं आपको जो पौधे वगैरह हम लोगों ने लगाए हैं जी। एक लगा हुआ है ये आप सामने देख रहे हैं, ये लगाया है ठीक है, और वहाँ से सीधी नाली के अंदर जो है पानी निकलता है जो अभी सोलर के ऊपर चल रहा है। ये पानी जो अभी चल रहा है आप देख रहे हैं, ये सोलर जो लगाया था हम लोगों ने, सोलर पम्प लगाया था उसके ऊपर चल रहा है ये पानी। अच्छा, एक वो लगाया, उसके बाद ये लगाए हैं, दो इकट्ठे लगाए हैं, इधर भी दो इकट्ठे लगाए हैं, ये भी नहीं ये एक लगाया, इधर भी दो इकट्ठे लगाए हैं, क्योंकि जो दो दो हम लोग इकट्ठे लगा रहे हैं उनकी या तो हाइट कम है या उनकी रूट्स जो हैं वो थोड़ी कम है साथ, जब इनकी हम लोगों ने की है निकाले हैं पटाई की है तो उस वजह से जो है रूट्स जो हैं वो थोड़ी कम आई हैं। ये भी एक लगा हुआ है, ये भी दो इकट्ठे लगाए हैं, उसके बाद ये श्री का जो दरख्त है ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, इधर भी दो इकट्ठे लगाए हैं, ये एक लगाया, वो लगाया, वो लगाया, वो लगाया, 7-8 जो है वो आगे तक, वो दूर तक आप देख सकते हैं लगाए हैं माशाल्लाह। इनको अभी लगा रहे हैं जी पानी,
और जब पानी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैंने अभी आशिक को बोल दिया कि डेली बेस पे, क्योंकि सोलर का पानी जो है वो तो फ्री है, और डेली बेस पे मैंने बोला है कि सुबह जैसे ही धूप निकलती है सोलर चलता है तो इनको जो है चला दे पंप को और पानी जो है उधर छोड़ दे, ताकि पूरा दिन जो है इनको पानी लगता रहे और ये जल्दी से जल्दी ग्रोथ करें। वीवर्स, आज का जो पूरा दिन था वो तो यहीं पर, और फार्म के काम, कुछ घर के काम, और थल मैंने जाना था, थल मैं नहीं गया, फार्म पे जो काम वगैरह किए थे वो आपको दिखाया। और अभी मैंने सोचा है कि घर का जो घास था बहुत बड़ा हुआ था, कुछ मैंने ऑलरेडी काट दिया था, कुछ जो है आज सुबह काटा था, कुछ कल काटा है, और सुबह हो गया था जी पेट्रोल ख़त्म मशीन में, तो अभी मशीन लेने के लिए जी पेट्रोल लेने के लिए लड़के को भेजा, वो पेट्रोल लेके आ जाता है तो फिर बाकी जो घास है वो काटते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी जगह जो है वो मैंने काट लिया, ये एरिया आपको चेक करवाते हैं। घास काफ़ी बड़ा हो गया था तो इस वजह से थोड़ा नीचे रख के इसको काटा है, इस वजह से ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है कि मर गया, लेकिन ये मरा हुआ नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसके अंदर हम लोगों ने ये भिंडी के जो है वो पौधे लगाए हुए थे, ये आप चेक करें, ये देखें ये सारे भिंडी के पौधे लगाए हुए थे, सेम लाइक इस तरह भी लगाए हुए थे, वो आपको कुछ काटा हुआ और कुछ जो है वो बग़ैर काटा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी पेट्रोल आ जाता है तो इसको भी काटते हैं, और फर्स्टली हम लोग ये जो जगह है इसको करते हैं रेडी, ये जो घास वगैरह है ये काटेंगे ताकि भिंडी जो है वो जल्दी से ग्रो करे, अच्छी ग्रो करे, और इसको कल्टीवेशन भी करते हैं। लेट्स फिनिश दिस वन एंड फिर आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ क्या हो जी। तो व्यूअर्स, आज मैं और ज़फ़र आए हैं जी, और हमारी हेल्प कर रहे हैं जी असलम, लूसन जो है वो कटाई उसकी जा रही है जी। अभी हम लोग जा रहे हैं देखने, टिंडे देखने जा रहे हैं, टिंडे जो हम लोगों ने काश्त करवाए थे, अभी जाके उनको चेक करवाते हैं। ये विचू विचू क्यों पानी दड़े लोड़े ना यार, इना विचू ना लोड़े कर, हां ये देखिए ना विचू ना लोड़े कर बने नु। बाकी माशाल्लाह ये बाजरी आप चेक करें, ये इसको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं कटाई इसकी की थी हम लोगों ने, और अभी जो है तकरीबन 10 दिनों तक फिर इसकी कटाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पानी माशाल्लाह माशाल्लाह वाटर लाइन में जा रहा है, खाल में पानी जो है जोरों शोर से जा रहा है जी, बेहतरीन। अभी चलते हैं उस साइड पे, पहले आपको ये चेक करवाते हैं बाजरा, बाजरा जो है इसकी कटाई हम लोगों ने करवाई थी, कुछ जो है अभी बाकी है, और माशाल्लाह इधर से ही नज़र आ रहा है जो है इसकी जर्मिनेशन जो है नीचे से काफ़ी अच्छी हो रही है। अभी जाके आपको ये भी चेक करवाते हैं, लूसन भी चेक करवाते हैं, टिंडे भी चेक करवाते हैं, और बाकी आपको जाके दिखाते हैं जी बर्ड्स, जो मोर हम लोगों ने लिया था उसकी भी अपडेट आपको करते हैं। बाकी वीडियो आपने पूरी देखनी है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाजमी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को आपने लाजमी फॉलो करना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना। ये आप देखें जी, इसके अंदर प्याज भी लगवाए हुए थे, और माशाल्लाह मैंने कुछ 10 दफ़ा बोला है असलम को कि प्याज जो है वो निकालें, ये अभी देखें व्यूअर ये सूख गए, सूख रहे हैं अंदर, ये देखें जी असलम कल इन्हें पटाई करवा हर सूरत है जी, सही है ना, ये वेदा भी हम सारे इतनी लवाई सारा कोई कीता और फायदा होता है, काले ना लाजमी पटवा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको खाद वगैरह भी हम लोगों ने दी थी, इधर जो है गोबर वगैरह इसने नहीं डाली, उस साइड पे कटाई भी कर दी थी 15 दिन पहले, खाद वगैरह दी है और गोबर जो है वो भी हम लोगों ने इसको दी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है मिलियन की तरह जो है वो बिल्कुल नीचे तक इसके जो हैं वो अभी नए ब्रांचेस जो हैं वो आ रही हैं, ये देखें माशाल्लाह। पहले इस तरह, पहले जो था ये इस तरह था, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इस तरह था पहले, एक एक डंडा, अभी नीचे से देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चलते हैं टिंडों में और वो जाके देखते हैं कि टिंडे जो हैं वो कितनी मकदार में निकले हैं, और दिखाते हैं जी आपको। व्यूअर्स, टिंडे जो हैं वो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, अभी तो बहुत कम मकदार में जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, जो उसकी जर्मिनेशन हुई आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखें ये जो पौधा है ये टिंडे का पौधा, ये वाला पौधा हो गया, ये वाला पौधा हो गया, ये टिंडे, लेकिन बहुत कम मकदार में जो है वो हो रहे हैं, बहुत कम मकदार में नज़र आ, यानी कि जर्मिनेशन जो है इस वक्त तक वो हमें 20% नज़र आ रही है, ये देखिए ये देखना बेहतर हो, 20% जो है वो जर्मिनेशन मुझे नज़र आ रही है, मे भी अभी हो सकता है टाइम है, देखते हैं कि और ये कितना टाइम लेते हैं, लेकिन जितना हमें अंदाज़ा था उस हिसाब से जर्मिनेशन नहीं हुई, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी चलते हैं लूसन की तरफ, आपको जाके दिखाते हैं कि कितना पानी लगा हुआ है और लूसन की क्या सिचुएशन है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोगों ने इसको स्प्रे भी किया था,
और सुंडी का, तो वो भी जाके चेक करते हैं कि अभी बीमारी जो है वो चली गई है या अभी है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लूसन जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी पानी जो है ये लास्ट वाली जो दो क्यारियाँ उनको पानी लगाया हुआ है। अभी असलम को मैंने भेजा है जी खाद उठाने के लिए, अभी इसको खाद दे रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 days जो है इसकी जर्मिनेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और कलर जो है वो भी इसका बिल्कुल लश ग्रीन ब्लैक जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपको चेक करा तो बाकी बीमारी मैंने चेक की है, बीमारी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लश्करी सुंडी ने हमला किया था लूसन के ऊपर और मकई के ऊपर और एक दो और फसलें इनके कपास के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो लश्करी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमला होता है, एकदम ही हमला होता है और विद इन 2 days 3 days बिल्कुल ही उसका जो है वो सफाया कर देते हैं। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले जो था वो स्प्रे करने से पहले हम लोगों ने लगाया था पानी, और अभी 3रे दिन जो है कटाई करने से पहले फिर इसको पानी लगा रहे हैं। ये दो क्यारियाँ जो है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई हैं, अभी इसको खाद डालेंगे। वो सामने असलम जो है वो खाद लेके आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो टोटियाँ इनको पानी लगाएंगे और साथ साथ जो है वो यूरिया खाद वो भी देते जाएंगे। व्यूअर्स यूरिया खाद जो है वो अभी हम लोग डाल रहे हैं जी, इससे ये है कि इसकी जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ ही अच्छी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर गोबर वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है और तकरीबन 3 कट हो गए हैं, 4 कट हम लोग। व्यूअर्स सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी मग और उसके बच्चे। अच्छा है उसमें ना एक मुर्गी का बच्चा भी बिठाया हुआ है। ये क्या, ये तो 5 थे, 5 में से अभी 4 रह गए, आई थिंक एक बच्चा भी मर गया। मग के बच्चे जो थे वो 5 थे, अभी जो है वो 4 बैठे। ये पता नहीं किधर गया एक, तो ये मुर्गी का बच्चा जो है एक इसके अंदर डाला हुआ है, क्योंकि मुर्गी बिठाई हुई थी तो उसने तकरीबन 4-5 बच्चे निकाले हैं, 2-3 अंडे जो थे वो छोड़ दिए थे मुर्गी ने, तो 2-3 दिन बाद इन्होंने देखा तो एक बच्चा और जो था वो भी निकला हुआ था, तो मुर्गी उसको साथ अपने लेके नहीं जा रही थी, तो इन्होंने क्या किया वो वाला बच्चा जो है वो मगों के साथ ये भी छोड़ दिए। पूछता हूँ असलम से कि 5 बच्चे थे मग के, अभी इसके अंदर जो है वो 4 बैठे हैं। ये देख 4 इसके अंदर अभी बैठे हैं, 5वां पता नहीं किधर गया, और ये मादा जो है बिल्कुल इसके साथ बैठी है। अभी चलते हैं आगे और आगे बाकी आपको दिखाते हैं कि बाकी क्या क्या है इसके अंदर। पहले इनके डरवे जो हैं वो चेक करते हैं कि अंडे वगैरह पड़े हैं या बच्चे वगैरह पड़े हैं, कुछ है भी सही के नहीं। बाकी मोर भी आपको चेक करवाते हैं जो मोर लिया था। अच्छा जी ये तो है बिल्कुल खाली, और ये इसके अंदर मुर्गी है, 2-3 अंडे पड़े हैं और मुर्गी ने एक बच्चा जो है वो साथ लिया हुआ है। इसको चेक करते हैं दोनों को, ये भी खाली है और ये वाला जो है ये भी तकरीबन खाली पड़ा है। ये 2 खाली पड़े हैं, इसके अंदर 1 मुर्गी है, 2 अंडे पड़े, ये भी खाली पड़ा है। बाकी अभी चलते हैं बैक साइड पे, और जो बैक साइड वो आपको जाके दिखाते हैं, उसके अंदर भी मुर्गियां वगैरह बैठी होती थी, उसके अंदर क्या पड़ा है, कुछ अंडे वगैरह आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, वो भी आपको चेक करवाते हैं। बाकी इधर जो है वो एक तितर जो है वो चकोर जिसको बोलते हैं वो इधर अंदर बैठा है, और मैं आराम से इधर से गुजर रहा हूँ क्योंकि सामने है। आएगा 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 आएगा, ये देखें व्यूअर्स कमाल है, बस इतना कमीना है ये। 10-15 दफ़ा इसको खाना डाला है, डिफरेंट चीज़ें लेके आया हूँ, गुड़ लेके आया हूँ, जलेबी लेके आया हूँ, लेकिन इसने बोला नहीं काटना तो है। आपको चेक करवाते हैं ये अंडे पड़े हैं जी, ये कितने पड़े हैं, 5 अंडे इधर पड़े हैं, इस तरफ 5 अंडे पड़े, और जी अभी जो 5 अंडे थे हमारे मोरनी ने दिए हुए थे वो हम लोगों ने रख दिए थे मुर्गी के नीचे। अभी वो जाके मैं देखता हूँ मुर्गी के किधर बैठी है और बच्चों का क्या सीन है। डॉगी जो है वो बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रहा है और मैं अभी डर के मारे वापस जा रहा हूँ। ये इसके काम ज़रा देखें, इंतहाई कमीना, इंतहाई लेवल का कमीना। मैंने असलम को बोल दिया कि इसको ना वापस करवाते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। मुझे जो मुर्गी जो हम लोगों ने बिठाई हुई है अंडों के ऊपर, मोरनी के अंडों के ऊपर मुझे नहीं मिली, मैं अभी असलम को लेके आता हूँ और वो चेक करेगा। और साथ में मोर जो है उनकी लड़ाई हो रही है जी, ये
तितरियों से, चकोर जो हैं उनके साथ लड़ाई हो रही है, तो अभी कहीं दूर चले गए। दूसरी तरफ मैं जाके दिखाता हूँ। माशाल्लाह प्लेटें बढ़ाने से पानी बोर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ा गया। अभी आपको चेक करवाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आप लोगों ने भी देख के बताना कि पहले से पानी का जो फ़र्क है वो कितना ज़्यादा पड़ गया। ये देखें अभी, बस पहले इतना पानी नहीं था, प्रेशर के साथ नहीं फेंक रही थी, अभी माशाल्लाह प्रेशर के साथ फेंक रही है पानी। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर जो हैं वो अभी आ गए। मेल हम लोगों ने जैसा आप लोगों को पता है कि लिया है, लेकिन वो डर रहा है अभी तक। बतखें हैं, बाकी तितर वगैरह जो हैं और मुर्गियां वगैरह जो हैं वो उसको हैं मारती। और ये वाइट कलर की जो है ये है पैरू, ठीक है, जिसको तुर्किश बर्ड भी बोलते हैं, ये फीमेल है। और साथ में जो है ये बड़े वाला ग्रीन वाला ये है मोर, मोरनी है, ये फीमेल है ये भी। अभी इसके अंडे हैं 5 वो रखे हुए हैं मुर्गी के नीचे, तो जब इंशाल्लाह ताला बच्चे निकलेंगे फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आप सब ने जो है वो प्रे करनी है कि बच्चे जो हैं वो निकल आएँ और सही सलामत रहें। अभी बुला तो मैं रहा हूँ लेकिन ये देखा ना, बहुत शौक से ना रोटी बहुत शौक से खाते हैं परिंदे। पानी पर सारे नजर आ रहा। आज व्यूअर आशिक जो है वो छुट्टी के ऊपर है, दो उसकी छुट्टियां और उसकी जगह पे एक और बंदा लेके आया हम लोग, तो आज जो है काफी काम मुझे भी साथ साथ करवाना पड़ रहा है। काफी तो नहीं है लेकिन जितना भी है मेरी वल्लाह पहुंच से बाहर है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोड हो गई है, जूता मेरा वो सामने पड़ा। अभी रेड़ा जो है इसके ऊपर हम लोगों ने पहले बाजरी जो थी वो लोड की है, और अभी जो है लूसन जो है वो लोड कर रहे हैं। अभी तकरीबन लूसन जो है तकरीबन दो बारियाँ और आएँगी बस, उसके बाद लूसन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, पूरा उठा लिया जाएगा। तो माशाल्लाह दरख्त ज़रा देखें, दरख्त देखें माशाल्लाह हाइट बहुत ज़्यादा पकड़ गए, अल्लाह ताला खैर करे। और कल जो था बल्कि परसों जो था इस रेड़ी का थोड़ा नीचे लकड़ी का एक उसको लर बोलते हैं थी, तो कल उसको करवाया था रिपेयर, आज लेके आए हैं और इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि कितना जो है वो लोड बर्दाश्त करती है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने वैसे डाला हुआ है 37-38 के अराउंड अबाउट 40 ऑलमोस्ट काउंट किया जा सकता है, 40 मन जो है वो हम लोगों ने पहले भी इस रेड़ी के ऊपर जो है वो लोड लेके आया था। मैं जब बजरी वगैरह और सोलर का पैनल जो था, सोलर पैनल जो था वो जब लेके आया था, तो अभी इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट करते हैं और इसके बाद चलते हैं जी बाकी वापस। और थल की ये सूरत हाल है जी, चने वगैरह कब के जो है उनकी कटिंग वगैरह हो गई है, सारा कुछ जो है अभी बारिश का इंतज़ार है। बारिश आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला ग्रीनरी थोड़ी आ जाएगी, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो दोबारा निखर जाएंगी।